हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, जेपी पावर के स्टॉक में लगातार गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। 8.5 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था आफ्टर इतने ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स रिजल्ट्स के बाद स्टॉक 8.5 रुपये से गिरकर लगभग दोस्तों अभी 7.5 रुपये पर आ चुका है। कब होगा दोस्तों ये 10 रुपये? क्योंकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि इतने शानदार नतीजे कंपनी पेश करती हुई देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी ये शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 8.10 रुपये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है। जब तक 8.10 रुपये के ऊपर शेयर की क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक ये शेयर आपको ऐसे ही घूमता हुआ देखने को मिलेगा। और क्या होंगे 16 अगस्त के यानी इंडिपेंडेंस डे के बाद के टारगेट्स, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर बात करें मार्केट्स की, तो मार्केट्स एक बुल रन में, लगातार तेजी दोस्तों मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है। जो पहले लगातार गिरावट थी, अब मार्केट्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर अपन बात करें, ये तो दोस्तों फ्राइडे के दिन की बात हो गई, अगर अपन बात करें फॉरेन मार्केट्स की, ग्लोबल इंडाइसेस की, तो आप देख सकते हैं एसजेक्स निफ्टी, नैसडेक, डैक्स, एफटीएसई, इन सभी इंडेक्सेस में बढ़िया उछाल देखने को मिला है। लगभग नैसडेक 2% ऊपर है। तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे के दिन जो दिन होने वाला है वो सारे आईटी काउंटर्स का होने वाला है। और जब आईटी काउंटर्स चलेंगे तो मार्केट में तेजी होना लगभग तय है। 132 पॉइंट्स ऊपर दोस्तों आपको एसजेक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर बात करें जेपी पावर की, तो एक्टिव बाय वॉल्यूम में 5वें नंबर पर रहता हुआ देखने को मिला है शेयर इन टर्म्स ऑफ ऑल एनएसई। आप देख सकते हैं क्लोजिंग 4.5% नीचे आती हुई देखने को मिली। फिर से लोगों में आप कह सकते हैं कि घबराहट होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से शेयर कामकाज कर रहा है काफी बुरा आप कह सकते होता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर में। क्योंकि कंपनी के जो नतीजे आए थे वो काफी बेहतर आते हुए देखने को मिले थे और काफी ब्लॉकबस्टर आते हुए देखने को मिले थे। लगभग 5000 टाइम्स दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स में प्रॉफिट आपको देखने को मिला था और काफी बढ़िया तेजी उसके बाद स्टॉक में आती हुई देखने को मिली। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेजी अगले दिन आती हुई देखने को मिली। उसी दिन 8.5 रुपये से 8.80 रुपये से गिरकर 8.20 रुपये पर क्लोजिंग दी। और उसके बाद से तो लगातार गिरावट स्टॉक में बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर अपन बात करें स्टॉक के दिन की रेंज की भी, तो आप देख सकते हैं लगभग 40 पैसे की रेंज है स्टॉक की, 740 से 840। एक बुरा कारण है दोस्तों गिरावट का सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्लेजिंग। जो कंपनी की प्लेजिंग है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी अपनी प्लेजिंग कम नहीं कर रही है, जिसके चलते भी स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। पहले एक बार खबरें आती थी 2017-18 में कि जेपी पावर ने अपने जो प्लेज शेयर है उनको छुड़वाया और प्लेजिंग कम की कंपनी, तो स्टॉक में अपर सर्किट भी लगे करते थे। लेकिन अभी प्लेजिंग दोस्तों स्टेबल रहती हुई देखने को मिल रही है, जिसके चलते भी स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर अपन बात करें इसकी 52 हफ्तों की हाई की, तो लगभग 32% शेयर नीचे कामकाज कर रहे हैं अपने 52 वीक हाई से। और जिस हिसाब से कंपनी के नतीजे आए थे, सभी एनालिस्ट, सभी आप कह सकते कि वीडियो बनाने वाले लोगों ने, सब ने बोला था कि लगभग 11-12 रुपये तक के टारगेट्स आएंगे। बट ड्यू टू आप कह सकते हैं कि प्लेजिंग, आई थिंक सो, स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस की भी, तो आप देख सकते हैं 46% का डिलीवरी का आंकड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एक महीने में 40%, एक हफ्ते में 39% और फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे में 38%। सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज आपको फ्राइडे के सेशन में आता हुआ देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है जेपी पावर के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड फ्रेंड्स, अब अगर स्टॉक के रेजिस्टेंस की बात कर ले, तो आप देख सकते हैं अब रेजिस्टेंस 7 से 8 रुपये के बीच में आता कुछ नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस 8.30 रुपीज़, 8.80 रुपीज़ एंड 9 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं आई थिंक सो गिरावट अब आपको नहीं आती हुई देखने को मिलेगी स्टॉक पे। रेजिस्टेंस का जो चार्ट बता रहा है वो आपको क्लियरली बता रहा है कि अब स्टॉक आपको यहाँ से 8 रुपये जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड लोअर साइड पर जो सपोर्ट है वो है 7.25 रुपये का। 7.25 रुपये के नीचे शेयर आई थिंक सो नहीं फिसलेगा। और हायर साइड पर मुझे लगता है कि दोस्तों ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक आपको अगेन 8 रुपीज के दर्शन दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। सेंटीमेंट्स की अगर माने, तो दोस्तों रिजल्ट्स जब आए थे कंपनी के, तो मैंने वीडियो कवर किया था और उस समय लगभग 90% लोग बुलिश थे। लेकिन अब सेंटीमेंट जो है वो स्टॉक के खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 71% लोग बुलिश है, 15% लोग आपको बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड 14% लोग आपको बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मामला जो है वो पलटता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और लगभग 15 से आप मान लीजिए 29% लोग यहीं पर आपको मानते हुए देखने को मिल रहे हैं कि स्टॉक यहां से नहीं बढ़ेगा और गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी आपको थोड़ा बुल बियर्स का दबदबा स्टॉक में नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट होप सो 71 ज्यादा नंबर है, तो तेजी आपको स्टॉक श्योरिटी से कर दिखाने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं स्टॉक के चार्ट्स पर और कल के यानी ट्यूसडे के टारगेट्स पर चर्चा करते हैं।
तो फ्रेंड्स अपन स्टॉक के चार्ट्स पर आ गए। पिछले 3 सेशंस में स्टॉक ने कितनी बड़ी गिरावट करी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले अगस्त की शुरुआत में जो बुल रन बना स्टॉक का, लगभग शेयर 6 रुपये का 9 रुपये हुआ, फिर वहाँ से अगेन स्टॉक आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चार्ट्स पर अगर अपन देखें तो गिरावट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 7 रुपये तक आती हुई देखने को मिलेगी। 7 रुपये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो मेरे हिसाब से 7 रुपये एक बहुत अच्छा लेवल है, उसको आप स्टॉप लॉस देके चल सकते हैं। तो 7 रुपए का लेवल अगर आएगा तो और एडिशन की मेरी सलाह होगी स्टॉक के, क्योंकि 7 रुपए के नीचे शेयर नहीं जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें पिछले 1 महीने के चार्ट्स की, तो आप देख सकते हैं 1 महीने के चार्ट्स में पहली बार दोस्तों आपको अगस्त के महीने में पहली बार इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। लगातार 3 सेशन से स्टॉक आपको गिरावट में क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है, तो होप सो इसकी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको स्टॉक में जरूर बनती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अपने माल बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट डिलीवरी परसेंटेज जो है वो लगातार हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ पर शेयर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब अगर बात करें ट्यूसडे के सेशन में, तो ट्यूसडे के सेशन में आपको मेरे लेवल ध्यान रखने होंगे। 7.5 रुपए के लेवल पर अगर शेयर मिले, यानी कि अगर शेयर आपको सीएमपी पर मिले, तो इस शेयर को आपको खरीद कर चलना है। और इंट्राडे में जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 8 रुपये का होगा। तो कल के ट्यूसडे के दिन 5% तक की रैली आपको जेपी पावर के स्टॉक में देखने को मिलेगी, मेरा इंट्राडे का टारगेट होगा। 7.5 पर बाय करना है, 8 रुपये के लेवल पर आपको ट्यूसडे के दिन ये शेयर आपको डेफिनेटली दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की मैं अगर बात करूँ तो 7.20 रुपये का परमानेंट, या फिर अपन कह सकते हैं कि इंट्राडे पर आपको फिक्स स्टॉप लॉस लेकर चलना है। अगर इसके नीचे आता है तो गिरावट जो है वो बन सकती है स्टॉक में, और अगर 7.20 रुपये के नीचे शेयर तो शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। इंट्राडे में 6.80 रुपये तक का लेवल, 7.20 रुपये का लेवल टूटने पर स्टॉक आपको इजीली दिखा सकता है। कल के टारगेट्स मैंने बता दिए, 8 रुपये का लेवल आपको ट्यूसडे के दिन देखने को मिल जाएगा, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टॉक आपको फिर से रीबाउंड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।